नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं बीपी लाइव। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज पर। आप पीछे देख सकते हैं नज़ारा। आज चुनाव प्रक्रिया को लेकर वोटिंग हो रही है लगातार। यहां पे स्टूडेंट सुबह 8 बजे से ही वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। दूर दूर से सैकड़ों यहाँ पे स्टूडेंट मौजूद हैं और जानेंगे कि इस पर जो वोटिंग हो रही है इसका मकसद किस किस टॉपिक पे वोटिंग कर रहे हैं लोग, क्या सोचकर वोटिंग कर रहे हैं, क्या क्या यहाँ पे सोच उनकी है कि किस टॉपिक में उनसे बात करें। आई कुछ लोगों से हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? देवांश। आज वोटिंग करके आ गए जी। वोटिंग का मतलब आपने क्या सोच के कि क्या क्या टॉपिक था यहाँ पे जो कैंडिडेट थे, क्या क्या विषय को लेके आपसे वोट मांगने आए? स्पोर्ट्स लेके, खाने को लेके और सारा कॉलेज प्लेसमेंट से रिलेटेड। बस खाने को लेके बात कर? हाँ वही, मैं नहीं है, पानी देख लीजिए आके अंदर का, बेकार है, बस चल रहा है किसी तरह, जिंदा है बच्चे बस। ये तो सिर्फ यहाँ पे जो आपने बताया, चार बातें आपने बताई मुझे, तो सिर्फ उसी को लेके जो चार प्रत्याशी हैं तो सभी जो है यहाँ इस कॉलेज के अलग होंगे, लेकिन डीयू का मेन मत अगर देखा जाए, डीयू की बात कर रहे हैं तो उसको लेके आपको क्या सोच है कि इस बार जो कॉलेज है इतने लगभग 3 साल के बाद हो रहा है चुनाव, तो क्या क्या बदलाव होनी चाहिए इसको लेके बताइए। अभी तो हम लोग फ्रेशर हैं अंकल, लेकिन पता नहीं हम लोग को इतना प्रेसिडेंट का कॉलेज का नाम क्यों बदलेगा भाई। हम लोग फ्रेशर हैं अंकल, तो अभी पता भी नहीं है क्या क्या है, क्या क्या अच्छा है क्या बुरा है। सबसे मेन जरूरी है हमारी न्यू बिल्डिंग। मैं देवांश सिरवालिया, मेरठ शहर का रहने वाला। मेरठ से? हाँ मेरठ से। वोट डाल दी? हाँ जी वोट डाल दिए। भाई से अभी आया मैं तो थोड़ी देर पहले। क्या क्या है यहाँ की बात करें तो क्या क्या मुद्दे? बात मुद्दे ये है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस कम करा रहे हैं हमारा, जैसे कि इन्होंने बताया है कैंटीन के बारे, कैंटीन की फैसिलिटीज अच्छी करा रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कराएंगे बता रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं। और हमें सबसे मेन मुद्दा है न्यू बिल्डिंग खुलने का, वो खुल जाएगी तो अच्छा होगा हमारे लिए बहुत, क्योंकि उसमें बता रहे हैं कि एसी भी है हमारे क्लासरूम्स में, एसी नहीं है, फैंस वर्क नहीं करते ढंग से फिर भी, और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, बस ये था कि न्यू बिल्डिंग खुल जाए हमारी। सब कुछ ठीक है, लहर किसकी? आप दूसरों में बताऊं? दूसरों के अंदर तुषार डेटा एक तरफ जीता पड़ा है। इसकी बात कर? तुषार डेटा एबीवीपी, क्योंकि मैं तो नहीं बोल सकता। अरे एबीवीपी आराम से तुषार डेटा एक तरफा, वन साइडेड, वही लेके जाएंगे, आराम से लेके जाएंगे, बिल्कुल प्यार से लेके जाएंगे। एनएसयूआई नहीं? नहीं नहीं, एबीवीपी। एनएसयूआई कॉलेज में चले चारों पोस्ट पे? क्या एबीवीपी डिजर्विंग है? सारे के सारे कैंडिडेट डिजर्विंग है, पर जितना हमें पता है, जितना हमारी बैक से सपोर्ट है, 3 साल चुनाव नहीं हुए थे तो उस वक्त क्या स्थिति था यहाँ का अगर बात करें? वो फ्रेशर्स है ना तो हमें पता नहीं है 3 साल क्या था, पर फिर भी जैसे कि बता रहे हैं एबीवीपी ने काम किया था। आप लोग फ्रेशर हैं? हाँ सारे। सर तो आपकी बैंड तो बजती होगी ना? नहीं, हमारे सीनियर्स बहुत फ्रेंडली हैं तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आने देते, जो भी हमें प्रॉब्लम होती है सब फेस कर लेते हैं मिलकर, दैट्स ऑल। आपकी परेशानी को वो सॉल्व कर देते हैं? हाँ बिल्कुल, कर देते हैं या करवा देते हैं? कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बस करवाते या कराते। आपका क्या नाम है? देवांशु पासवान है, मैं गुड़गांव में। दिशु चुनाव हो रहा है, आज वोटिंग हो गई, कल उसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है, तो क्या लगता है किसकी किसका बहुमत इस बार होगा? बहुमत मैं ऐसे एक साइड से बोल नहीं सकता, अब कोई भी जीते बस हमारा कॉलेज के लिए, डीयू के लिए, दिशु के लिए जो भी है वो अच्छा होना चाहिए, और हमारी नई बिल्डिंग खुल जाए वही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हमारा और डीयू नई बिल्डिंग खुलनी चाहिए, और जीते कोई भी मतलब उससे नहीं है, मतलब ये कि कॉलेज के लिए जित पे होना चाहिए कॉलेज के। आप अभी फ्रेशर आए हो? हाँ फ्रेशर ही, सब लोग फ्रेशर ही है। हाँ ये सारे जितने साल फ्रेशर। आप भी फ्रेशर हो गए? क्या नाम है? परिचय दीजिए। मेरा नाम सोनाक्षी है और यूपी से आई हूँ फिलहाल। वोट डाल दिए? मैं ये नहीं पूछूंगा किसको डाले, लेकिन यहाँ देखते हुए डीसू की बात करें, डीसू की बात करें तो किसका बच्चों से? डीसू है तुषार डेढ़ा, एबीवीपी। 4165 यही जीतेंगे और कोई नहीं जीतेगा। ऐसा क्यों? एनएसआई ऐसा इसलिए कि हम जानते हैं यहाँ पर यही लोग जीतेंगे, इसके अलावा कोई नहीं जीतेगा यहाँ पर। अगर दूसरों की बात करें कौन जीतेगा? हम नहीं जानते इनको, हम 4165 को जानते हैं, 4165 एनएसआई यही जीतेंगे और कोई मुकाबले में है ही नहीं। आप किस किस मुद्दे को लेके उतरे हैं इस बार, जो एबीपी की बात करें, एनएसआई आपकी बात करते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है अगर मुद्दे की बात करें? मुद्दे की बात जो अभी मेरे सुनने में आया, जो जिन्होंने जो बात किया है यहाँ पे, कई सारे शिकायतें हैं, क्या वो एनएसयूआई दूर कर पाएगी? बिल्कुल दूर कर पाएगी, बिल्कुल दूर करेगी। उसने ये ठान लिया इस टाइम में इनको उखाड़ फेंकना है, जैसे देश के हालात चल रहे हैं, जैसे देश की मतलब प्रॉब्लमें चल रही हैं, इनको ख़त्म ही करना है। आपका क्या नाम है? साहिल हारून। वोट डाल दिए? एनएसयूआई को। मैं ये नहीं पूछा था, ये मैंने पूछा भी नहीं, बताना भी नहीं है ये
किस किस मुद्दे को आपको लगा कि एनएसयूआई को वोट डालना? एनएसयूआई में देखिए मोहब्बत का एक पैगाम लेके चल रहे हैं, और जो नफरत की राजनीति है कॉलेज के अंदर, जैसे दंगे हुए पिछले साल भी हुए, तो हम उसको खत्म करना चाहते हैं एनएसयूआई को वोट देके। दंगे तो चुनाव होने से पहले ही इतने मारपीट, आप लोग काफी वायरल वीडियो हुआ है आप लोग का मारपीट कर लाठी डंडे कार तोड़े। एबीपी ने हमला करा है नीतीश गुलिया पर, उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। एबीपी आप लोग पे आरोप लगा रही है, एनएसयूआई ने नहीं, एनएसयूआई ने वीडियो जारी भी किया है। एनएसयूआई मोहब्बत का पैगाम लेके चलती है और एबीपी वो दंगे फसाद करती है। आपने देखा होगा कि कॉलेजों में पिछले साल भी दंगे हुए हैं, फिर अब हुए, तो ये बात है। क्या लगता है अभी फ्रेशर हो, आगे तक किसके साथ? जो वो काम करेगा, जो हमारे लिए अच्छा करेगा, उसके लिए साथ होंगे हम। अच्छा, ये जो लगातार वीडियो वायरल हो रहा था मारपीट का, लाठी डंडे का, वो किसका वीडियो था? आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, लेकिन था किसका? सब मिक्स है अंकल, कोई बता नहीं सकता है कौन एबीवीपी का है या फिर सब एनएसयूआई, सब मिक्स है एकदम। सब अपने कोई किसी और के लिए कर रहा है, कोई किसी और के लिए कर रहा है, ऐसा हो रहा है। सब कॉलेज आने से पहले, जब आप यहाँ आए उससे पहले भी तो आपने देखा होगा, ये सब चीज को परखा होगा, पिछले साल भी देखा होगा, मतलब पूरे देश को पता है ड्यू का हाल क्या चल रहा है, ड्यू का होता क्या, ड्यू में आके लड़के बन कैसे जाते हैं, लड़ाई कितनी है, सबको पता है। वो तो कोई अलग जानने वाली बात भी नहीं है। दोबारा पूछेंगे क्या है जो आपकी पार्टी, जो आप जिसको वोट डाले, नाम नहीं पूछ रहा हूँ, जिसको आपने वोट डाला, क्या वो आपके जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा? मैं सोच समझ कर डाला है कि मेरे हिसाब से अगर कॉलेज को देखा जाए तो उस हिसाब से मैंने सोच समझ कर डाल दिया कि उसके हिसाब से क्या कौन बेस्ट है, मैंने अपना देख लिया। आपका क्या नाम है? नाइला। नाइला, अच्छा नाइला, आपने वोट डाला? जी। किसको नहीं पूछूंगा, लेकिन आपने जो वोट डाला सोच के किसी मुद्दे को लेके, क्या क्या मुद्दा था आपका जो जिसको लेके आपने उसको वोट डाला जो आपको पार्टी पसंद है? तो समझ के डाला है, क्योंकि नेशनल लेवल पे तो ऑलरेडी हम देखते हैं ये पार्टी बहुत बायस तरीके से काम करती है, लेकिन हमने हमारा कॉलेज जो होता है वो ऐसा लेवल होता है जो एक लीडर होता है वो बुनियादी लेवल पे पहले कॉलेज से अपना चुनाव लड़ता है और अपनी ऐसी ही इमेज बनाता है आगे जाके। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे लीडर को सपोर्ट करें कि स्टार्टिंग से अनबायस तरीके से काम करें, खासकर कॉलेज के लेवल पर एजुकेशन पे काम करें, बच्चों पर काम करें, गर्ल्स की सेफ्टी के ऊपर काम करें। ये नहीं कि कॉलेज कैंपस में, गर्ल्स के कॉलेज कैंपस में जाके गर्ल्स के राइट्स और गर्ल्स की प्राइवेसी को लीक करें। ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने अपना वोट दिया है, ताकि हमारा जो लीडर हो वो एजुकेशन पे काम करे, गर्ल्स पे काम करे और स्टूडेंट सेफ्टी पे काम करे। तो ये सब मुद्दे मद्देनजर रखते हुए हमने अपना वोट दिया। क्या लगता है बच्चों किसका है अभी यहाँ पे ज्यादा टक्कर चल रही है? बराबर की अभी एनएसयूआई और एबीवीपी, जाहिर सी बात है। क्या बोल दिया आपने, खुद के कुल बोल दिया? जाहिर सी बात है, दिख ही रहा है। पल्ला किसका भारी है? पल्ला अभी दिख जाएगा कॉलेज लेवल पे, तो थोड़ी देर में दिख जाएगा, और नेशनल डीसी लेवल पर अभी दो तीन दिन में आ जाएगा रिजल्ट, दिख ही जाएगा वो तो। आपका नाम पहले बताइए। जरीन बुशरा। जरीन, ये दिल्ली में जो स्थिति है महिलाओं के प्रति, काफी कई जगह बहुत कुछ, हाँ, तो ये चीज को लेके आपने क्या सोचा है कि इसको लेके आप किस छात्र परिषद को आप वोट डाल रहे हैं? मतलब हमने एनएसयूआई ने और एसएफआई ने मिलकर अलायंस बनाया कॉलेज लेवल पर, हमने एसएफआई का भी काम देखा और हमने एनएसयूआई का भी काम विटनेस करा है, तो इसके हिसाब से हमारे लिए सबसे ज्यादा जो कारगर पार्टी रहेगी वो एनएसयूआई और एसएफआई का अलायंस ही रहेगा, इसलिए हमने उसका ही वोट दिया है और उसी का हमने प्रमोशन करा है, बहुत सारे लोगों से उसी को वोट दिलवाया है। हमने उनको यकीन दिलाया कि जैसे हम पहले, अब तक 4 साल से चुनाव नहीं हुए हैं हमारे कॉलेज में, डूसू में इलेक्शन नहीं हुए हैं, उससे पहले जो हमारे डूसू के प्रेसिडेंट थे वो, उनका 26 लाख का बजट था, 22 लाख की वो लोग चाय पी रहे, हम 22 लाख की चाय नहीं पियेंगे, हम 22 लाख की चाय नहीं पियेंगे, हम ग्राउंड लेवल पर काम करेंगे। जैसे हम दो दो रातें जाकर हमने अपने कॉलेज का ग्राउंड खुलवाया है, ऐसी दो दो रातें, तीन तीन रातें जाकर हम कॉलेज की बिल्डिंग भी खुलवाएंगे इंशाल्लाह। चलिए आप अपने बारे में नाम बताइए पहले। मेरा नाम खदीजा है और मैं जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से हूँ। आप फ्रेशर हो? जी नहीं, मैं थर्ड ईयर से हूँ। थर्ड ईयर से जी। तो आपने यहाँ पे कई साल गुजारे, यहाँ पे यहाँ पे 3-4 साल चुनाव भी नहीं हुआ, तो उस वक्त स्थिति क्या थी? उस वक्त स्थिति ये थी कि हम जो भी यूनियन में थी पार्टी, वो सिर्फ गुंडागर्दी के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। आप नाम किसका लेना चाह रही है? जो डूसू में था, जो हमारा डूसू था, जिसने कुछ भी नहीं कहा, उसने 22.5 लाख की चाय पी ली, 25 लाख के फंड में से 22.5 लाख की चाय पी ली। आप लोगों को भी पिलाया होगा ना? हमें तो वो चाय नहीं मिली। मैं हॉस्टल में रहती हूँ और हमारा डूसू जब भी करंट डूसू था, वो फिर से डूसू में आना चाह रहा है, इसलिए कल रात को लड़के आ रहे थे और हमारे हॉस्टल में पिज्जा और बर्गर बांट रहे थे वोट के बदले में।
वोट के बदले में, मेरे पास वीडियो भी है, पिज्जा के नाम पे वोट खरीदे जा रहे थे। अभी चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी, कल प्रचार प्रसार खत्म हो गया, तो उसके दौरान जो बहुत मारपीट, लाठी डंडे, ये तोड़ फोड़, ये सब किसका किसका वीडियो था? वो तो हम सबको पता है कि कोई बस एक ही दो पार्टी है जो गुंडागर्दी करती है, जो अभी बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में है ना। अपना नाम बताओ। आसिफ अब्बास, आई एम डूइंग फिलोसफी देयर। बेसिकली यहाँ पे जो वोट पड़ रहा है वो काम पे पड़ रहा है, जो जिस पार्टी ने काम किया, यहाँ पे वोट मसल पावर पे नहीं पड़ रहा है कि कौन कितनी ताकत दिखा रहा है, कौन कितने पैम्पलेट फेंक लेगा, यहाँ पे इस चीज पे वोट नहीं पड़ रहा है। यहाँ बच्चे अवेयर हो रहे हैं, वी आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, अगर हम यहाँ से अवेयर नहीं होंगे तो कहाँ से अवेयर होंगे? किसका पल्ला भारी चल रहा है यहाँ पे? अगर आप कॉलेज की बात करें तो फारूकी एक तरफा जीत रहा है, इस पार्टी प्रेसिडेंट अलायंस तो SFI और NSUI की हुई है, और अब दूसरों की बात करें तो ये बताओ NSUI और जो आईसा, उसका अलायंस क्यों करना जरूरी पड़ा? बेसिकली आईसा नहीं, SFI फेडरेशन ऑफ इंडिया। बेसिकली क्या था कि दिक्कत सारी बात ये थी कि हमारे पास बेसिकली बात ये थी साथ, मतलब छात्र जितने भी थे वो साथ मिलकर। आप किसको सपोर्ट करते हो, SFI या NSUI को? अभी तो अलायंस है ना, उससे पहले आप किसको सपोर्ट करते थे? मैं SFI को करता था, SFI क्योंकि उन्होंने कॉलेज में काम करा, ग्राउंड खुलवाया, नई बिल्डिंग के लिए खुलने के लिए ITI डाली, लेकिन बस के लिए हमारे लिए जो बस की नॉर्मली मुद्दे की बात करें, अगर तीन चार मुद्दे की बात करें तो क्या है मुद्दा बेसिकली? मुद्दा भी एक तो मुद्दा यह है कि जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनके लिए मेट्रो फ्री होनी चाहिए। हाँ, और दूसरी चीज़ यह है कि हमारे जितने भी साथी हैं वो स्टैंड पे खड़े रहते हैं लेकिन बस नहीं आती, बसेस की फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, बसेस बढ़नी चाहिए, और गर्ल्स के लिए जो सैनिटरी पैड वगैरह होते हैं उनकी जो बेसिकली मशीन है वो नहीं चल पा रही है, कैंटीन में सफाई रहनी चाहिए, ग्राउंड में सफाई रहनी चाहिए, नई बिल्डिंग खुलनी चाहिए, और कॉलेज में बहुत सारी खमियाँ हैं, ग्रीनरी बढ़नी चाहिए। सिंपल सी बात है, सुरक्षा और व्यवस्था, सुरक्षा और यात्रा के बारे में बेसिकली चल रहा है। तो आपने देखा ये लगातार यहाँ पे स्टूडेंट्स से मैंने बात किया, उनके मुद्दे कोई खास नहीं, यहाँ पे सुरक्षा और यातायात की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए लगातार वो अपने जो कैंडिडेट हैं, जो प्रत्याशी है, उन पे उन्होंने विश्वास किया, उनको वोट दिया है। अब देखना ये होगा कल वोट की जब गिनती होगी तो किसका वर्चस्व नजर आता है। अभिषेक नैन, ABP लाइव, दिल्ली।